नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी, आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनल 18 के बारे में, यानी एनल 18 नंबर ड्रॉप्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में हम पेशेंट को देते हैं, इस दवाई के क्या लक्षण होते हैं, इसमें क्या कॉम्पोजिशन रहता है, इसकी क्या डोज लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई ब्रोंकाइटिस में पेशेंट को दी जाती है। ब्रोंकाइटिस एक फेफड़ों की बीमारी होती है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं हमारी फेफड़ों में, जो सांस लेने में मदद करती हैं, उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए या इन्फेक्टेड हो जाए तो उसमें ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। ब्रोंकाइटिस में पेशेंट को छाती में भारीपन के साथ खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कई बार सिर दर्द भी हो जाता है, तो ऐसे लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, एनल 18 देने से पेशेंट की जो कॉन्जेशन होती है चेस्ट में, उसमें राहत मिलती है। इसके अलावा जो बलगम बना हुआ होता है, ये दवाई इसको बाहर निकालती है, साथ ही खांसी में भी आराम देती है। अगर पेशेंट का बलगम निकल जाता है तो उससे जो भारीपन रहता है उसमें भी आराम लगता है और पेशेंट के गले में जो दर्द होता है उसमें भी राहत देती है। पेशेंट की छाती से जो वीजिंग साउंड सुनाई देता है उसमें राहत मिलती है। ऐसा बलगम की वजह से भी हो सकता है या इन्फेक्शन की वजह से, कई बार ऐसी आवाज़ें बच्चे की खास तौर पर आती रहती हैं। अगले सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत आती हो, पेशेंट सांस खींच खींच कर लेता हो, तो ऐसी परेशानी में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्रायोनिया दवाई डाली गई है, जो कि ड्राई कफ में पेशेंट को दी जाती है, यानी सूखी खांसी में पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा छाती में अगर पेशेंट को दर्द हो, गले में दर्द हो, जब पेशेंट सोने जाता है तो कई बार पेशेंट को परेशानी आती है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ऐसे केस में दवाई हम पेशेंट को देते हैं। अगली दवाई इसमें इपिकैक डाली गई है। इपिकैक बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ब्रोंकाइटिस में। ये दवाई तब दी जाती है पेशेंट को जब पेशेंट को रैटलिंग कफ हो, इसके साथ पेशेंट को वोमिट करने का भी मन करता हो, यानी वोमिटिंग भी होती हो, तो ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को हम ब्रोंकाइटिस में देते हैं। एंटीमटार्ट डाली गई है, जो कि बलगम वाली खांसी होती है, तो उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, खासतौर पर बच्चों में इसे हम देते हैं। इस दवाई के देने से पेशेंट का ब्रोंकाइटिस ठीक होता है और खांसी में भी राहत मिलती है। अगली दवाई इसमें आर्सेनिक एल्ब डाली गई है। ये दवाई भी ब्रोंकाइटिस में बहुत इफेक्टिव रहती है, अगर पेशेंट को साथ में वीकनेस भी हो, रेस्टलेस पेशेंट में ये दवाई दी जाती है। जहां पेशेंट को कमजोरी महसूस होती हो, खांसी हो, तो उसमें दवाई राहत देती है। अगली दवाई इसमें काली सल्फ डाली गई है। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ब्रोंकाइटिस में, अगर पेशेंट का बलगम पीले कलर का हो, इसके अलावा पेशेंट को शाम के समय खांसी ज़्यादा आती हो, छाती में भारीपन महसूस होता हो और सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में इतनी दिक्कत आती है कि पेशेंट को मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो ऐसे केस में इसे हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी एनल 18 में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। ये दवाइयाँ मिलकर ब्रोंकाइटिस को ठीक करती हैं, साथ में खांसी या फिर छाती में दर्द, गले में दर्द हो तो उसमें भी राहत देती है, सांस लेने में तकलीफ हो तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। इसके डोजेस की बात करें तो डॉक्टर की सलाह पर ही ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर केस टेकिंग के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी दवाई सूट आएगी और उसकी क्या डोज रहेगी। लेकिन फिर भी जो उसकी कॉमन डोज रहती है, बच्चों में 10 से 15 ड्रॉप्स एक चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। बड़ों में इसकी 15 से 20 बूंदें एक चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3 बार दी जाती है। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें ये दवाई लेने से पहले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे भी संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।